हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड के थर्ड पार्ट के बारे में इसकी टू वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप जाकर देख सकते हैं सो so, इस थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड एक रिलेशन है रिलेशन बिटवीन प्राइज़ ऑफ आ प्रोडक्ट एंड डिमांड ऑफ आ प्रोडक्ट यानि प्रोडक्ट के प्राइस और प्रोडक्ट की डिमांड के बीच में जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड इस रिलेशन की हेल्प से हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है कि कैसे एक प्रोडक्ट की डिमांड इफेक्ट होती है विद द चेंज इन प्राइस यानी अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होता है तो उसका इफ़ेक्ट डिमांड के ऊपर क्या पड़ता है कंज्यूमर्स अपना बिहेवियर कैसे चेंज करते हैं वो अपनी डिमांड इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं सो so, यहाँ पर हमें कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लॉ ऑफ डिमांड एक रिलेशन है प्रोडक्ट के प्राइस के बीच में और प्रोडक्ट की डिमांड के बीच में इट शोज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्राइस ऑन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी ये एक ऐसा रिलेशन है जो फाइंड आउट करता है कि प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ेगा डिमांड के ऊपर अगर प्राइस में कोई चेंज आते हैं तो उस प्राइस के चेंज होने से डिमांड के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे सो इट शोज द इफेक्ट ऑफ प्राइस प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ेगा डिमांड के ऊपर यह लॉ ऑफ डिमांड हमें शो करता है सो इट मीनस लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देअर इज़ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइज ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी अदर थिंगस रिमेन सेम बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड हमें यह बताता है कि प्राइस और प्रोडक्ट के बीच में प्राइस और प्रोडक्ट की क्वान्टिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन है यानी अगर प्रोडक्ट का प्राइज इंक्रीज होगा तो उसके रिगार्डिंग डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और अगर प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसके रिगार्डिंग डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अदर थिंग्स रिमेन सेम यहाँ पर हम सिर्फ प्राइस और डिमांड के बीच में इफ़ेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं अदर थिंग्स जो हैं वो सेम रहनी चाहिए बाकी किसी भी आइटम में चेंजेस नहीं आने चाहिए सो so, अगर इकोनॉमी की बाकी सभी आइटम्स सेम रहती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट अगर बाकी सभी आइटम्स सेम रहती हैं तो हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है नेगेटिव यानी इट मीन्स इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस देन द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विल डिक्रीज अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस देन द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विल इंक्रीजेज लेकिन अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसके रिगार्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज एक रैशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट को तभी प्रेफर करता है जब उसकी डिमांड कम होती है डिक्रीज होती है सो so ये है लॉ ऑफ डिमांड जो हमें क्या स्टेट करता है देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी यानी नेगेटिव रिलेशन है किनके बीच में प्राइस और डिमांड के बीच में सो इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड तभी एप्लीकेबल होता है जब अदर थिंग्स सेम रहती हैं। यानी इकोनॉमी में अदर थिंग्स जो हैं उनको कांस्टेंट रहना होगा उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए सिर्फ प्रोडक्ट की डिमांड और प्रोडक्ट के प्राइस के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया सो अदर थिंग्स रिमेन्स इसका मतलब क्या है अदर थिंग्स मीन्स All such things which will affect the demand of a commodity, except price of our own product. बाकी सभी चीज़ जो हैं बाकी सभी things जो हैं वो same रहनी चाहिए बाकी सभी items कौन सी आती हैं वो सभी items जो product की demand को effect कर सकती हैं So इसलिए ये सभी items हैं जो constant रहनी चाहिए सिर्फ प्रोडक्ट की डिमांड में तब चेंज आएगा जब उसके रिगार्डिंग प्राइस चेंज होगा सो इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड रिलेशन है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अदर थिंग्स सेम रहनी चाहिए जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिलेटेड गुड्स का प्राइस सेम रहना चाहिए उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए कंज्यूमर की इनकम ना ही इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी सेम रहनी चाहिए टेस्ट और प्रेफ्रेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर की फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस भी सेम रहनी चाहिए उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए सो so ये हमारे पास स्केड्यूल जो कि हमें शो करता है कि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट में नेगेटिव रिलेशन है जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही कंज्यूमर की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है और इसी को हम डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं ये विदाउट मेजर यहां पर शो किया गया है आप विद मेजर्स शो कर सकते हो यहां पर क्लियर कट हमें शो हो रहा है जैसे ही हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ P1 से वो P2 पे शिफ्ट हुआ वैसे ही कंज्यूमर ने डिमांड करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया यानी जब प्राइस डिक्रीज होता है तो कस्टमर डिमांड ज्यादा करता है so ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है एजम्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एजम्पन का मतलब होता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किसके ऊपर बेस्ड है कौन सी एजम्शन उन्होंने कंसीडर किए वाइल्ड प्रिपेयरिंग लॉ ऑफ डिमांड यानी अगर हम ये आइटम्स एज्यूम नहीं करेंगे तो शायद लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा सो सिंपल एक ही एजम्पन यहां पर एज्यूम की गई है अदर थिंग्स रिमेन सेम बाकी जितनी भी आइटम्स हैं वो सेम रहनी चाहिए उनमें कोई चेंज रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बाकी आइटम्स चेंज होती हैं तो हो सकता है प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिर भी कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा कर रहा है तो इन दैट केस लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा सो हमें ये एज्यूम करना होगा कि बाकी सभी आइटम्स कांस्टेंट हैं सेम हैं तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो पाएगा यानी तभी ये अप्लाई किया जाता है कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी और प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी सो so, ये हमारे पास एजम्पन्स हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कॉन्स्टेंट कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होगी क्योंकि अगर ये चेंज होती है तो हो सकता है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल ना हो क्योंकि सिंपल है अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो प्राइस के इंक्रीज होने से हो सकता है कंज्यूमर अपनी डिमांड डिक्रीज ना करे इंक्रीज करे क्योंकि उसकी इनकम जो बढ़ रही है सो so इसलिए बाकी सभी आइटम्स जो हैं वो हमें कांस्टेंट माननी होंगी उसमें कोई चेंज हमें रिकॉर्ड नहीं करना नेक्स्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन सेम कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस सेम रहना चाहिए उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए और लास्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए यानी फ्यूचर में भी प्राइस सेम रहेगा प्रोडक्ट का ये एज्यूम किया गया है कोई चेंज नहीं आएगा सो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अदरवाइज हमारे इंस्टाग्राम आई डी कोचिंग पर भी आप पूछ सकते हैं